हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, आज की शुरुआत करते हैं मेरे इस हैंडसम चेहरे के साथ। और आप देख रहे हैं आज की सुहानी सुबह, खिली खिली सी धूप भी निकल आई है हल्की हल्की, और हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे। हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज का दिन होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग सा, क्योंकि आज है हम लोगों की शादी की सालगिरह, और इसे हम करने वाले हैं बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से। और एक और बात है गाइस कि आज हम कहीं जाने वाले हैं नहीं, आज हम सिर्फ घर में रहेंगे, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। आप देख सकते हैं जेठ का महीना चल रहा है, धूप अपने चरम पर है, तो आज हम टोटल घर में आराम करेंगे। शाम को हमें बाहर जाना है, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ। आज सारा दिन मेरा, मेरी पत्नी के नाम, और उनका पूरा दिन आज मेरे नाम। तो आज हम लोग घर में रहेंगे और घर में रहकर एंजॉय करेंगे। तो गए शादी की सालगिरह से मुझे याद आया कि हम लोग कल शाम को गए थे अपने परिवार में एक शादी में। तो देखिए हमारे साथ में शादी के कुछ खास पल जो हमने अपने रिश्तेदारों के साथ बिताए हैं। तो गाइस, शेविंग बनाने का सामान ले आया हूँ मैंने। ये रखा है मेरा आईना, और ये डब्बे में रखा है शेविंग बनाने का सामान। तो गाइस, शेविंग हो गई है मेरी कंप्लीट, और अब मैं अपना सामान रखने जा रहा हूँ ये वापस। और हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं मैं काफ़ी अच्छी मैंने बना ली है। पापा जी से सीख गया था मैं, उनको देख देख के, वो बनाते थे घर में, उनको देख कर मैं भी सीख गया हूँ काफ़ी अच्छी। हालांकि छूटती नहीं है मुझसे कहीं, पर हो सकता है कभी एक आध बार छूट जाए। तो गाइस, तो आज हम लोगों की हैप्पी एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, और हम लोग अभी शाम को ये नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, तो गाइस हम लोगों की तैयारी हो रही है शाम को बाहर जाने की। तो कपड़े वपड़े हमारे फ्रेश हो गए हैं, मेरे भी हो गए हैं, और रजनी के कपड़े भी हो गए हैं, खाने के कपड़े भी प्रेस हो गए हैं, इधर रखे हैं। हेलो गाइस, हम लोग शाम को बाहर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बताओ ना, जब आपके ऊपर की टिकट कर लाओ तो सब तक बड़े हो जाओगे ना। शैडो घर में रहेगा, आप ही बूढ़े हो जाओगे। और गाड़ी से जा रहे हैं हम अपनी, बाबू जी बाहर खड़े हैं। तो गाइस बेसमेंट में है ऊपर जाने के लिए लिफ्ट। आई ऐसी हमारी धीरे धीरे ही चलती है। तो गाइस आप देख सकते हैं हनी बोट चला रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा शहर का नजारा चमचमा रहा है बिल्कुल, और ट्रैफिक लगातार चालू है रोड पर। चलो यार, लेस बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। हम लोग हैं स्काई हाई होटल पर। गाइस हम लोग हैं ऊपर, कैसा लग रहा है यहाँ पे? ढाबे वाली फीलिंग आ रही है।
होटल के ऊपर नौका। तो गाइस खाना आ गया है और हम लोग पहली बार फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, तो खाना सर्व हो रहा है। कैसा है खाना? ठीक है, टेस्ट ठीक है। तो गाइस खाने का टेस्ट ठीक है, हम लोग तो पहली बार ही आए, सुना था कि ठीक नहीं है, लेकिन खाना बहुत अच्छा है। आप पहली बार आए? हाँ मैं दूसरी बार आया, मगर मैंने खाना नहीं खाया था पहले। खाना वाना हो गया हम लोगों का, खाना बढ़िया था होटल का, बस थोड़ी सर्विस में देरी हो रही थी, बाकी ठीक है, खाना बहुत अच्छा। दोस्तों आप लोगों के प्यार और स्नेह का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों का इतना प्यार और स्नेह मुझे मिलता है। मैं चाहूँगा दोस्तों अधिक से अधिक आप लोग मेरे ब्लॉग देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं दोस्तों अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज़ प्लीज़ बताने का कष्ट करें। गाइस तो हम नीचे चलते, खाना हो गया, है नहीं ये लोग बुला रहे हैं आपको, तीनों ये चार लोग खड़े रहे, चारों लोग चेक कर रहे हैं। ओ तेरी है ना, बहुत मारेगा वो, देख झापड़े लेके तो घूम रहा है आपके लिए। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं वापस, पहुंच गए अपनी लिफ्ट के पास। अंदर तो गाइस गाड़ी रुकी है और हम बाबूजी को थोड़ा आगे तक छोड़ दे रहे हैं, जल्दी वो पैदल घर जा रहे हैं। तो गाइस सामने ऊपर जो नौका दिख रहा है यही है इसका हाई होटल, और हम एनिवर्सरी पे यहाँ पे खाना खाने गए थे आज। तो गाइस हम चले अपने घर, देखो अब मैं आ गए हम अपने घर। हाँ तो गाइस आज के लिए बस इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।